और डॉलर चाहे मशरिक से आए चाहे मगरिब से आए, वो यहूदियों का आलाकार है। आपने अगर $1 नोट का अगर कभी नक्शा देखा हो, उसके ऊपर जो सिग्निया बना हुआ है, जो निशान है, वो क्या है? पिरामिड, एहराम मिस्र। ये किनके लिए अहमियत रखते हैं? हजार हा यहूदियों का खून और उनकी हड्डियां इन पिरामिड्स के तले दबी हुई। जब ये एहराम बनाए गए थे, ये यहूदी वहां गुलामी के दौर में थे, बेगार इनसे ली जा रही थी। बड़े बड़े पत्थर जब गिरते थे तो पिसने वाले यहूदी होते थे। ये उनकी अपनी, जैसे हॉलोकास्ट, जैसे उन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया हुआ है, इसी तरीके से पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, ये गोया कि उनके उस जवाल का एक निशान है। और उस पर एक आंख बनी हुई है, एक आंख, काने दज्जाल की आंख, वो देख रही है। अजीब है ये सिंबल। नीचे लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सिक्लोरम, और ये दर हकीकत 1776 जो नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर, ये 1776 है जो मैं बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी विशॉप ने कायम किया था। आम दुनिया ये समझती है कि शायद ये अमेरिका का यौम आजादी है, सन आजादी है। ए यकुम मई, उस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की तासीस यकुम मई को हुई है। ये यकुम मई जो मनाया जाता है, धोखा ये दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं उनकी यादगार है। हकीकत में ये यकुम मई और 1776 ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की तासीस की तारीख है।